अभी मन्नार रोड पहुंचे हैं और हमें इतना अतास हो रहा है ना, अतास मतलब कि बहुत लेट हो गई हम। इतना होना जरूरी यहाँ पे। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज अभी बजे हुए हैं सुबह के 10 और धूप कहीं मस्त वाले आ रखी है, बाकी बादल भी हल्का हल्का लग रहा है। और मैं हूँ रावी के रूम पे अभी, क्योंकि वैसे मैं रावी के रूम पे कल से ही हूँ, क्योंकि जो मेरा सिलेंडर है उसकी गैस खत्म हो गई थी, तो अभी वो भराने के लिए दे रखी है होटल वाले अंकल को। तो बाकी शायद आज वो भर जाएगी और फिर उसके बाद हम वहाँ से लेके आएंगे। और ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में, बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। रावी भी तैयार हो गई है और बाकी अभी मेरे रूम पे जा रहे हैं और हमें जाना है MH, तो मिलते हैं आपको सीधे रेडी होके। तो यार फिलहाल तो रेडी हो गए हैं, बाकी निकल रहे हैं, अब देखते हैं गाड़ी वाड़ी मिल जाए जल्दी, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया हमको। तो यार उन्हें मैं इतना टाइम लगा दिया ना, क्या ही बताऊँ, अब 11:30 होने वाले हैं, डॉक्टर ना निकल जाए कहीं। तो यार फिलहाल अभी मन्नार रोड पहुँचे हैं और हमें इतना अतास हो रहा है ना, अतास मतलब कि बहुत लेट हो गए हम, क्योंकि डॉक्टर निकल जाती है ना, कल भी निकल गई थी, और अभी गाड़ी मिल जाए यार टाइम से। बस यार सुबह मौसम इतना अच्छा था ना, धूप आई थी, अभी इतना खतरनाक बादल लगा, दिखाती हूँ ये इतना खतरनाक बादल लग रखा है, इतनी ठंड हो रही है ना। अच्छा हुआ जैकेट लाल, तो गाड़ी मिल गई हमें और बस डॉक्टर मिल जाए टाइम से, और मिलते आपको सीधे MH पहुँच गया। और बाकी चलते हैं अंदर को, भाई रावी को ना अपने दांत को तोड़वाने की ज़्यादा ही जल्दी हो रही है, तो चलो मिलते हैं वहीं। फिलहाल तो रावी की पर्ची कट गई और अंदर सूज खोल के जाने हैं ना, तो चलेगी अब ये, क्योंकि अंदर आना अलाउ भी नहीं और किसी का बाकी। तो यार फिलहाल तो रावी गई हुई है क्लिनिक के अंदर और मैं उसका वेट कर रही हूँ, और देखो अब कब आती है वो। बाकी तो यार फिलहाल तो रावी का काम हो गया है, बाकी अब चलते हैं हम घर को और मिलते हैं आपको सीधे मार्केट पहुँच। मौसम कुछ इस तरीके का हो गया है, मतलब सुबह इतनी अच्छी धूप आई थी और अभी बादल, वाह। बजे ते तू पहाड़ी गीत रे, आज मिल बेरम जम के नाच नुहा, ओ बंद कर दे परदेसी गीत रे, तो नचनु बस पहाड़ी पीठ मा, बजे ते तू पहाड़ी गीत रे, आज मिल बे रंग जम के नचनु हाँ, ओ बंद कर दे परदेसी गीत रे, तो नचनु बस पहाड़ी पीठ मा, मेरे दोस्त बार भी। ये है पिथौरागढ़ का चर्च जहाँ हम नहीं जा पाए थे क्रिसमस के दिन, बाकी आज हम आए हैं मार्केट और अभी हम पहुँचे हैं कहाँ। फिलहाल तो पहुंचे हैं मार्केट और रावी को लेनी है क्या चिप स्टिक और जो कि मिल नहीं रही है, इतनी सारी तो देख दी अब पता नहीं कब मिलती है टोपा। तो यार फिलहाल तो पहुंचे हैं मार्केट सुनारे गली, और जो मेन मार्केट है ना वहाँ इतनी ज़्यादा अलग ही लेवल वाली भीड़ लगी हुई है, बाकी हम नीचे रावी की चिप स्टिक लेने के लिए जा रहे हैं, मिल जाए बस इसकी चिप स्टिक। लिप बाम वाली मिल गया मतलब है क्या? तो यार फिलहाल तो मार्केट का काम भी हो गया है, बाकी अब चलते हैं घर को और अब होटल वाले अंकल से पूछने हैं कि सिलेंडर भरा कि नहीं भरा, बस भर जाए यार, इतनी दिक्कत हो जाती है ना भाई गॉड, अगर सिलेंडर में गैस ख़त्म हो जाती है तो। बाकी मिलते हैं आपको सीधे घर पहुँच के अब। तो यार मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, अब बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें आने लगी है, घर पहुँचने तक बारिश ना आए यार, कपड़े भी डाल रखे हैं रावी ने, मैंने नहीं डाले मतलब, मुझे पहले से ही मौसम का थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, बाकी बारिश ना आए बस, मिलता आपको सीधे घर पहुँच के। फिलहाल तो रूम पे पहुँचने वाले हैं, बाकी अब पैसे लेके आते हैं और देखते हैं सिलेंडर भरा है कि नहीं भरा है। तो यार हम ना अभी पूछ के आए तो सिलेंडर तो भरा हुआ नहीं है, वो बोल रहे थे कि 2 बजे गाड़ी आती है और अभी 1 बजे हुए हैं,
बाकी 3 बजे तक भरेगी शायद, उसके बाद ही लाना होगा। अभी रावी के रूम पे जा रहे हैं, अचार लेके आए हैं और अब बनाते हैं दाल और चावल। अभी दाल के लिए कटा हुआ है प्याज और रावी ने मुझे प्याज काटने के लिए क्या दिया है, बर्तन दिखाते हो आपको। प्याज काटने के लिए दिया है प्रेशर कुकर का ढक्कन। यहाँ पे रावी के मकान मालिक के बच्चे आ गए हैं, दोनों जुड़ गए हैं। दूसरी गाँगी गिर गई हो। रावी को अपना बचपन याद आया इनको देख के, दिख नहीं रहे दोनों साथ में आते ना। अभी इन दोनों का नाम क्या है रावी? वाह, इनके गप्पे सब पे चल रहे हैं, बता नहीं क्या रावी भी अपनी कौन सी लैंग्वेज बोल रही इनके साथ। अब भारी हो गई रावी को, खुद तो उन दोनों के बराबर है के। लगेगी यहां से गिर के। फाइनली खाना भी बन गया और खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको, बने रहिए ऐसे ब्लॉग में। तो यार फिलहाल तो खाना पीना हो गया हमारा और रावी ने बनाई थी मसूर की दाल धनिया डाल के, मस्त सी। बाकी पेट पेट भी भर गया हमारा और अब पूछने जाते हैं सिलेंडर का कि भरा है नहीं भरा है। पता नहीं यार भरा होगा नहीं भरा होगा, वैसे तो 2 बज गए हैं, बाकी देखते हैं भरा है या नहीं भरा है, भर जाए बस। तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ रावी की कार, रावी ने कार ले ली है, पता नहीं कितने लाख की है, दिखाती हूँ। तो गाइज ये है रावी की कुछ लाख की कार, अभी रावी से पूछ के पता चलेगा कितने लाख की ये कार। रावी कितने लाख की कार है? 2 लाख की। 2 लाख की सेकेंड हैंड ली थी? नहीं छोटी, इसलिए 2 लाख। तो यार फिलहाल तो जा रहे हैं कंप्यूटर को और उसके बाद कंप्यूटर स्थान के बाद मिलता है आपको। कुत्ता दिखाती हूँ जो फिलहाल अभी खा रहे हैं मोमो बहुत चाव से। तो यार फाइनली कोचिंग से भी आ गई मैं कंप्यूटर की और बाकी हमारा सिलेंडर भी, मतलब मेरा सिलेंडर भी भर गया है और अब मैं खाना अपने रूम पे बना सकती हूँ आराम से। मतलब अपने रूम में सिलेंडर नहीं होता है ना भरा हुआ तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है, भले दोस्त के रूम में खा रही हूँ पर फिर भी। तो यार फिलहाल सारा काम होके सिलेंडर में गैस भर के कंप्यूटर से आके अब जा रहे पानी भरने के लिए महादेव को, बाकी जाते और मिलते आपको वहीं। ये टोपी और मैंने मास्क इसलिए पहन रखा क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उससे बचने के लिए ये पहना हुआ है। बाकी मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। पानी भर के तो मैं घर पहुँच गई थी, बाकी फ़ोन में चार्ज नहीं था क्योंकि दिन भर चार्ज में नहीं लगाया था फ़ोन, तो मैंने फ़ोन चार्ज पर लगा दिया था। बाकी ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।